हे गाइस, दिस इज सोनाली जैन एंड वेलकम यू टू ऑल इन टुडेस सेशन। जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी इसी तरह आपको डेली लाइव क्लासेस एंड वीडियोस प्रोवाइड कर किए जाएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, आप वहां जाकर पूरा विजिट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। सो आज का सेशन हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड है और पर्टिकुलर एक ही टॉपिक इसके अंदर उठाया हुआ है, ताकि एक या दो मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं। तो आज आप कंफर्म करके चलिए कि अगर आपने जितने भी यहाँ पर अप्रोक्स 80 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अगर उन्हीं 80 क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया, मतलब कि आपके एग्जाम में दो मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, इसी तरह हम आपको टॉपिक वाइज पूरी सीरीज प्रोवाइड करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। CRPF के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चार ऑप्शन यहाँ पर है, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और PV सिंधु। अगर आप बहुत ज़्यादा TV देखते हैं या बहुत ज़्यादा फ़ोन एक्सेस करते हैं, YouTube चलाते हैं, तो आपने बहुत सारे एडवर्टाइज देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपने CRPF के बारे में सुना होगा, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? CRPF के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं CRPF रॉब सिना सिद्धू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो PV सिंधु इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? PV सिंधु। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि CRPF के महानिर्देशक कौन है, ये भी एक आपका बोल सकते हैं GA का क्वेश्चन है, तो राजीव राव भटनागर जो है वो CRPF के महानिर्देशक है, और यहाँ पर बात की गई थी PV सिंधु की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। yatra.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, हम थोड़ा स्पीड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको नॉर्मली चीज़ें याद रखनी है। yatra.com के कौन है? रणवीर कपूर हैं, विराट कोहली, अक्षय कुमार या फिर आलिया भट्ट है। तो आपने एडवर्टाइज देखा होगा, रणवीर कपूर जो है yatra.com के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पेप्सिको स्पोर्ट ड्रिंक जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह या फिर PV सिंधु। तो पेप्सिको स्पोर्ट्स ड्रिंक के जो हैं वो भी हैं PV सिंधु। ठीक है, पेप्सिको के, और अभी हमने देखा था CRPF, दोनों के PV सिंधु है, और भी हम डिस्कस करेंगे PV सिंधु और भी बहुत सारे की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट बात करते हैं रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर, रीबॉक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन, शाहरुख खान, शाहिद कपूर या फिर कंगना रनौत। चलिए इसका आंसर तो दिख ही गया आपको स्क्रीन पर, इसके दो हैं, शाहिद कपूर एंड कंगना रनौत, दोनों ही रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, बिल्कुल परमानेंटली अब याद ही कर लीजिए इन सभी चीज़ों को। रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर एंड कंगना रनौत दोनों हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैनासोनिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन, शाहरुख खान, तापसी मनु या फिर शाहिद कपूर। पैनासोनिक इंडिया यहाँ पर बात की गई है, इसके जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है तापसी मनु। नेक्स्ट बात करते हैं हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, आपको बिल्कुल एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसमें कितना मार्क्स आया है। ठीक है, अभी तक हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें से एक का आंसर आपको ऑलरेडी शो हो गया था, तो उसको प्लस में आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपको एक मार्क्स आ गया है। और अभी देखते हैं कि 4 क्वेश्चन में से आपने कितना मार्क्स स्कोर किया। हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है हुंडई मोटर इंडिया के हैं शाहरुख खान। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? शाहरुख खान। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विद्या बालन, शाहरुख खान, तापसी मनु या एक ऑप्शन हो रहे आपके सामने शाहिद कपूर। तो इसका राइट आंसर है निर्मल भारत इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्वच्छ भारत आएगा, अतुल्य भारत आएगा, और भी बहुत सारे अभियान जो हैं, जो कि भारत की जो क्लीनिंग, इंडिया की क्लीनिंग से रिलेटेड है, तो एक एक नाम आप याद करते जाएंगे। अभी निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर की बात की गई है, जो कि है विद्या बालन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्वच्छ साथी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर, सलमान खान, हार्दिक पांड्या या फिर दिया मिर्जा। तो देखिए स्वच्छ साथी कार्यक्रम जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, दिया मिर्जा भी 3+ की ब्रांड एम्बेसडर है, और भी मतलब 3 से ज़्यादा की वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो भी अभी आपके सेशन में आ जाएंगे। तो स्वच्छ साथी कार्यक्रम एक हो गया दिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मान्यवर जो है एक क्लोथ कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड एक मान्यवर, इसका एडवर्टाइज भी आता है और काफ़ी अच्छा है, तो कौन है? विराट कोहली, रणवीर कपूर, सलमान खान या फिर हार्दिक पांड्या। तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली, मान्यवर क्लोथिंग ब्रांड जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। ठीक है, आपने देखा ही होगा विराट कोहली और अनुष्का की शादी के बाद ही एडवर्टाइज आया था।
माइक्रोमैक्स मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर, सलमान खान, अक्षय कुमार या फिर हार्दिक पांड्या? ठीक है, तो माइक्रोमैक्स के कौन होना चाहिए? माइक्रोमैक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं अक्षय कुमार। ठीक है, आप याद रखेंगे अक्षय कुमार जो है माइक्रोमैक्स मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर है। और आप थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, लाइक आपने सलमान खान को अभी तक किसी भी मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा। आपने बोल सकते हैं कि माधुरी दीक्षित को देखा होगा, आपने रणवीर सिंह को देखा होगा, आपने आमिर खान को एक मोबाइल के एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। आपने देखा होगा ना बहुत सारे होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने मेमोरी पर भी जोर डालकर, अगर आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट आप ऑप्शन कटिंग मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं। सलमान खान आप इजीली कट कर सकते हैं, रणवीर कपूर में भी आपको कन्फ्यूजन हो रणवीर कपूर एंड रणवीर सिंह में, तो हार्दिक पांड्या को भी अभी तक नहीं देखा गया मोबाइल के एडवर्टाइज में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो अक्षय कुमार है। नेक्स्ट की बात करते हैं, मेक माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर, सलमान खान, आलिया भट्ट या फिर रणवीर सिंह? तो मेक माई ट्रिप के जो हैं वो है आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। ठीक है, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह अभी अभी रिसेंट 2 नए एडवर्टाइज आए हैं। अगर आप YouTube चलाते हैं तो वहाँ पर आपने ये दो एडवर्टाइज देखे ही होंगे, दो न्यू एडवर्टाइज आए हैं मेक माई ट्रिप के। तो कौन है ब्रांड एम्बेसडर? आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, आई होप कि यहाँ तक आपने 11 स्कोर कर लिया होगा। एयरलाइन विस्तारा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक, राकुलप्रीत सिंह, अभिता बच्चन या फिर दीपिका पादुकोण? तो मेक माई ट्रिप के जो हैं, सॉरी, एयरलाइन विस्तारा के यहाँ पर बात की गई है। एयरलाइन विस्तारा जो है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है दीपिका पादुकोण। ठीक है, एयरलाइन विस्तारा के ब्रांड एम्बेसडर हो गए दीपिका पादुकोण। ऐसे ही एक आलिया भट्ट भी है, वो भी अपन बात कर लेते हैं कि वो कौन सी एयरलाइन की ब्रांड एम्बेसडर है। तो यहाँ पर विस्तारा की बात की गई है तो विस्तारा की तो दीपिका पादुकोण है। इंटेक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माधुरी दीक्षित, साक्षी मलिक, राकुलप्रीत सिंह या फिर अभिता बच्चन? कौन है इंटेक्स के ब्रांड एम्बेसडर? तो इंटेक्स जो मोबाइल कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं वो पूछी जाती है कि कौन सी इंडिया की है, कौन सी चाइना की है, कौन सी जापान की है। तो एक बार आप वो सारी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं कि वन प्लस चाइना की है, इंटेक्स इंडिया की, ऐसे करके भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक, कृति सैनन, राकुलप्रीत सिंह या फिर अभिता बच्चन? तो देखो, डीडी किसान चैनल का आपको एडवर्टाइज देखने को मिलेंगे और उसके हैं अभिता बच्चन। ये 5+ मतलब 5 से ज़्यादा बोल सकते कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभिता बच्चन की मैं बात कर रही थी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्नीकर्स चॉकलेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक, राकुलप्रीत सिंह, अभिता बच्चन या फिर MS धोनी? स्नीकर्स चॉकलेट की बात की गई है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, ये देख सकते हैं आप, स्नीकर्स चॉकलेट का एक एडवर्टाइज है, उसी का मैंने एक पिक्चर उठाया था। ठीक है, तो आप इस ऐसे भी करके आप याद रख सकते हैं। जो आपको याद नहीं रह रहा हो, आप ऐसा करना कि गूगल पे वो डालकर देखना, तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी, उनके थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्नीकर्स के हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रैंकफिन एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक, राकुलप्रीत सिंह, अभिता बच्चन या फिर आलिया भट्ट? ठीक है, तो यहाँ पर फ्रैंकफिन एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट की बात की गई है, तो इसके हैं आलिया भट्ट। ठीक है, अब आप क्या याद रखेंगे, जो हमने विस्तारा की बात की थी एयरलाइंस कंपनी, उसकी दीपिका पादुकोण है, और यहाँ पर फ्रैंकफिन एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट की बात की गई है जो कि है आलिया भट्ट। और ये कब से हुआ आप ऐसे याद रख सकते हैं, बद्रीनाथ की दुल्हनिया आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें आलिया भट्ट एक एयर होस्टेस ही थी, इसीलिए उससे आप याद रख सकते हैं कि आलिया भट्ट जो है फ्रैंकफिन एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट की ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेटमेच के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑनलाइन दवा कंपनी है ये, कृति सैनन, साक्षी मलिक, MS धोनी या फिर अभिता बच्चन? तो इसका राइट आंसर है MS धोनी। इसका भी बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं, नेटमेच ऑनलाइन दवा स्टोर है, तो इसके हैं महेंद्र सिंह धोनी। गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक, हार्दिक पांड्या, अभिता बच्चन या फिर सलमान खान? तो जो एक क्रिकेटर है हार्दिक पांड्या, वो गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन बताइए मुझे जो अभी अपन ने पढ़ा था, पैनासोनिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये अभी हम रिवाइज कर चुके हैं, जल्दी से रिकॉल करिए अपनी मेमोरी को कि हमने क्या नाम पढ़ा था पैनासोनिक इंडिया के। ओके, तो आपने सोच लिया होगा, तापसी मनु इसका राइट आंसर, आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन ही यही था।
ठीक है, तो पैनासोनिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर तापसी मनु है। अगर आपने आंसर किया है मतलब कि आप पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर चीज़ों को देख रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, और अगर नहीं तो अभी आपको चाहिए कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा अच्छे से वीडियो देखें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब अपन बात करते हैं। वन प्लस मोबाइल कंपनी जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? साक्षी मलिक, और ये वन प्लस कंपनी जो है वो है चाइना की। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। साक्षी मलिक, राकुल प्रीत सिंह, अभिताभ बच्चन या फिर सलमान खान। तो वन प्लस मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर जो है अभिताभ बच्चन है। और अभी हमने काय का पढ़ा था, डीडी किसान चैनल भी पढ़ा था, उसके भी हमने अभिताभ बच्चन ही देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपने ये आंसर कर दिया मतलब कि आपने सारे आई थिंक 20 out of 20 स्कोर कर लिया होगा। फ्रूट जूस कंपनी जो है एप्पी फिज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभिताभ बच्चन, विराट कोहली, सलमान खान या अनुष्का शर्मा। इसका राइट आंसर है सलमान खान। आपने देखा भी होगा किस तरीके से सलमान खान हवा में से उड़ते हुए नीचे आते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट है एप्पी फिज का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेनॉल्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कृति सैनन, अभिताभ बच्चन, रणवीर कपूर या फिर सलमान खान। तो रेनॉल्ट इंडिया की यहाँ पर बात की गई है, तो इसके है राइट आंसर होगा इसका रणवीर कपूर। रेनॉल्ट इंडिया के कौन है? रणवीर कपूर। कंफ्यूज ना हो रणवीर कपूर और रणवीर सिंह में, रणवीर कपूर की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभिताभ बच्चन, विराट कोहली, सलमान खान या फिर अनुष्का शर्मा। तो दरवाज़ा बंद अभियान आपको पता है किससे कनेक्टेड होगा, तो दरवाज़ा बंद अभियान के अभिताभ बच्चन है, साथ में अनुष्का शर्मा भी है। तो आपको दोनों याद रखने, अभिताभ बच्चन, अनुष्का शर्मा, मे भी आपको ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक दिख जाए, पर दोनों ही दरवाज़ा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यहाँ पर पर्टिकुलर मेंशन किया गया इन तेलंगाना। पूरे इंडिया का अलग होगा, तेलंगाना का अलग होगा, ऐसी एक और स्टेट है उस स्टेट का भी पर्टिकुलर अलग है। तो यहाँ पर अभी फर्स्टली बात की गई है तेलंगाना की। अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है, रकुल प्रीत सिंह है या फिर सलमान खान है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तेलंगाना के लिए है रकुल प्रीत सिंह। ठीक है, तेलंगाना की बात की गई है तो रकुल प्रीत सिंह है। सेम क्वेश्चन हरियाणा के लिए कौन है? तो हरियाणा का तो आई थिंक आपको पता होगा, हरियाणा के लिए साक्षी मलिक। ठीक है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए किसको किया गया है? साक्षी मलिक को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नॉर्मल दिया गया है, कुछ नहीं यहाँ पर स्टेट मेंशन नहीं किया गया है, मतलब पूरे इंडिया की बात की गई है, तो पूरे इंडिया के लिए जो है वो है माधुरी दीक्षित। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, माधुरी दीक्षित जो है पूरे इंडिया के लिए, तेलंगाना के लिए हो गए हमारे रकुल प्रीत सिंह, और हरियाणा के लिए जो हो गए वो हो गए साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यहाँ पर अतुल्य भारत की बात की गई है, इससे पहले हमने निर्मल भारत की बात की थी जिसके थे विद्या बालन। ठीक है, तो अतुल्य भारत के कौन होंगे? अतुल्य भारत के हैं नरेंद्र मोदी, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये एडवर्टाइज भी आई थिंक आपने बहुत देखा होगा जब भी आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं, डीडी नेशनल का मैं बता रही हूँ। अगर आप उस पे जो क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो उनमें जो प्लेयर्स होते हैं उन्हीं के एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। दिया मिर्जा, एली गोल्डिंग, प्रियंका चोपड़ा या फिर विराट कोहली। तो पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। नेक्स्ट बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हेपेटाइटिस बी एक प्रकार की बीमारी होती है, जैसे आपको जॉइंडिस होता है, पीलिया होता है, वैसे ही हेपेटाइटिस बी भी होता है, सेम सिम्टम्स होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। तो अमिताभ बच्चन है, दिया मिर्जा है, एली गोल्डिंग है या फिर प्रियंका चोपड़ा है। तो हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। ठीक है, याद रखिएगा, अभी हम तीसरी बार नाम देख रहे हैं अमिताभ बच्चन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ठीक है, तो याद करिए कि हमने किस किस में देखा है अभी तक अमिताभ बच्चन का नाम। एक तो वन प्लस कंपनी में देखा था, उससे पहले हमने देखा था एक नाम और था उनका डीडी किसान चैनल के लिए, और तीसरा है हेपेटाइटिस बी उन्मूलन, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। यहाँ पर वो लोगों को अवेयर करने के लिए, इस बीमारी के बारे में अवेयर करने के लिए बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा, एली गोल्डिंग, प्रियंका चोपड़ा या फिर माधुरी दीक्षित। तो माँ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है माधुरी दीक्षित। ठीक है, आप याद रखेंगे माधुरी दीक्षित, और इससे पहले हमने देखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी माधुरी दीक्षित ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यूनिसेफ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिया मिर्जा, एली गोल्डिंग, प्रियंका चोपड़ा या फिर माधुरी दीक्षित। ठीक है, यूनिसेफ जो है
उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, इसमें तीन से चार क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक तो यूनिसेफ का सबसे युवा कौन है, यूनिसेफ का अभी तो यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है, सब जगह कौन है तो वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल दिया गया है और मेंशन ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो यूनिसेफ के जो है वो प्रियंका चोपड़ा है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तीन ऑप्शन आपके सामने, दिया मिर्जा, विराट कोहली और प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, वन मोर ऑप्शन इज दैट माधुरी दीक्षित। ठीक है, तो आपको बताना है स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दिया मिर्जा, विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा या माधुरी दीक्षित। तो ये क्वेश्चन जो रहेगा ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट सेशन जब इसका अपलोड होगा उसमें आपको मुझे बताना होगा कि आपने ये सही आंसर किया है नहीं, हम उस सेशन में देखेंगे। ओके, तो ये सेशन आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में आंसर करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, थैंक यू।